अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या है, किस आधार पर वोट देंगे? मैं अंजलि बजाज, महामंत्री महिला मोर्चा। महिलाओं के वर्ग के लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, उससे महिलाओं में एक उत्साह है। हर वर्ग, चाहे हम युवा वर्ग लें, चाहे हम किसान वर्ग लें, चाहे हम बुज़ुर्गों के लिए देखें, और स्पेशली अपने महिलाओं का जो पूछा, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, औरत का दिन, महिला का दिन घर से शुरू होकर घर पे ही ख़त्म हो जाता है। तो जो घर की सुविधाएं 70 साल पहले से हमारे बुज़ुर्ग महिलाएं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो सब एक्सपेक्ट करते थे, वो सब अब जाकर कहीं पूरी हुई हैं, इसलिए महिलाओं में पूरा उत्साह है। और 400 का नारा जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो महिलाएं आगे बढ़कर पूरे उत्साह से पूरा करेंगे। अच्छा, पहले कांग्रेस जब थी तब इतनी महिलाएं इतना चुनाव को लेकर जो है उत्साहित नहीं होती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है, मोदी जी की वजह से है, किस वजह से महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है? कांग्रेस का ना पहले कोई अस्तित्व था, एक मिसगाइड करने वाली वो पार्टी रही है, और महिलाएं कभी मिसगाइड मेरे ख्याल से होती नहीं है। जब महिलाओं को ये दिखाई दिया है कि उनका जो देश का नेता है वो हर वर्ग के बारे में सोच रहा है, और स्पेशली उनके बारे में सोचा जा रहा है, और उनके वर्ग के विकास हो रहे हैं, तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं, ताकि तीसरी बार फिर से उनकी सरकार बने। अच्छा, सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली जी को जो है आगे रखकर वोट देंगी महिलाएं, या फिर मोदी जी को आगे रखेंगी? मैं राई विधानसभा में ही रहती हूँ, तो राई मेरा एरिया भी है, मेरा घर भी वहीं पर है। विधानसभा को लेकर मैं यही कहूँगी कि विधायक के पद पर उनका जो 4.5 साल अप्रोक्स कार्यकाल रहा है, उन्होंने बहुत काम किए हैं, उनके कार्य शैली में कोई कमी नहीं है। और रही वोट की बात कि मोदी जी के उसको देखकर वोट देना है, तो मोहनलाल बड़ोली जी भी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और उनका जो नेतृत्व है, कमल का फूल है, हमने कमल के फूल को देखना है, और कमल का फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, और जो 399 की माला देश की बनेगी उसमें एक फूल मोहनलाल बड़ोली जी का हम डालकर हम 400 की माला को पूरा करके प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे और 400 का नारा पूरा करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के बारे में आप लोगों की क्या विचार, राहुल गांधी जी को पीएम देखना चाहेंगे? राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से तो कहीं एक छोटी सी नौकरी करने के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री तो बहुत इनोवेटिव आइडिया और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। एक बुद्धिजीवी इंसान ही देश को चला सकता है, मुझे उनमें बुद्धि की बहुत कमी लगती है। सॉरी टू से, शायद ये परिवार के संस्कार है, शायद ही उनका ज्ञान है, शायद उनको कुछ ऐसा समझाया ही नहीं गया है, शायद उनको पता ही नहीं है कि हर वर्ग की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, आदर सम्मान कैसे करना है, चाहे वो महिलाओं का है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री का हो, जो अभी 2 दिन पहले भी उनका बयान हम सुन रहे थे। तो जो संस्कार हैं ये सबके अंदर नहीं आते, चाहे उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी महिलाओं को भी साथ लेके चलते हैं, पदयात्रा भी करते हैं, वो पदयात्रा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं का वर्ग साथ जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत अंतर है, ये सबको दिखता है। मोदी सरकार की, मोदी जी क्यों? मोदी जी हैं जो मतलब हम महिलाओं को आगे लेके जाएंगे, हमें सशक्त बढ़ाएंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, उनमें लेडीजों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है, वो बहुत ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, कुछ हो भी गई बहुत अच्छे। आपको लगता है जो मोदी जी ने कहा है लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये वादा पूरा करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। SHG ग्रुप बनाए हैं, लेडीज अपने पैरों पे स्टैंड है, मोर क्या चाहिए है। पहले लेडीज ऐसी थी जो बिल्कुल ही घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी, आज कम से कम अपने पैरों पे स्टैंड तो है, काम तो कर रही है एटलीस्ट। और लगता है कि जो 400 बार का नारा है वो इस बार सफल होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। अच्छा, आपकी बार मोदी सरकार हिस्सा लेगी चुनाव? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ले रही है, बिल्कुल क्या, ले रही है। क्या कुछ आप चाहते हैं कि कुछ और भी जो है प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए करे? मैम, महिलाओं के लिए वैसे तो सरकार ने बहुत किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर और भी वो कुछ, अगर मुझे तो लगता है वो आगे और भी बहुत कुछ करेंगे।